हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटर नोएडा 6 में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों, ये हमारा नया हमने चैनल शुरू किया है और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं मटन नहारी से, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कुकर को रखा है। कुकर में अब हम ऑयल डालेंगे। कुकर जब गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम हाफ कप डालेंगे, इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा जाता है। हमने तो मस्टर्ड ऑयल डाला है फ्रेंड्स, अगर आपको भी जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें ये दो प्याज काटे थे, हम वो डाल देंगे। और प्याज को हम हल्का सा सोटे करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है। और हमारे पास ये आधा किलो मटन नहारी का गोश्त है। आप जाएंगे जब मटन वाले के पास, उसको बोलेंगे हमें नहारी बनाना है, नहारी का गोश्त दे दो, तो वो आपको नहारी का गोश्त दे देगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है फिर। और जब तक ये प्याज सोटे हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए देखिए, हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड और 1/4 टी स्पून जीरा डाला है। और इसमें गरम मसाले डाले हैं, आप तुम आप वो डाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी दोस्तों, ये बहुत ही इजी रेसिपी, इसको आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसको बनाने में कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने आपको ये ड्राई मसाले दिखा दिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 गार्लिक और 4-5 मिर्च और इसको ड्राई ही हम ग्राइंड कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे प्याज इस कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये गोश्त को डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, अच्छे से इसको खूब अच्छे से हम इसको भूनेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप नमक डाल दें। स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल तेल जो है वो अलग आ गया है। अब चाय में हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता और ये जो हमने मसाले पीसे थे वो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी इसमें अच्छे से जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसे हमें गलाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए इसे हमें गलाना बहुत पड़ता है, इसलिए इसमें हमें पानी बहुत ही अच्छे से डालना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। और हमने ये जो हमने मिक्सी में मसाला बनाया था उसमें भी पानी डाल के अच्छे से धो के डाल देते हैं ताकि मसाला जाया ना जाए। और दोस्तों हम आपको ये जो भी चीज़ें बनाना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल बर्तनों का इस्तेमाल करके, सिंपल मसालों का इस्तेमाल करके हम बनाना सिखाएंगे आपको। अब मैंने इसको फ्रेंड्स टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूंगी। उसके बाद नमक ऐड करने के बाद हम इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें लगा देंगे और लिड, और इसको हम घड़ी देखकर 40 मिनट्स पकाना है हमें, ठीक। हाँ तो दोस्तों अब हमारे 40 मिनट हो गए हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे गोश्त सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए।
कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। तो अब हमें जो करना है वो ये कि जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो जितना भी तेल दिख रहा है ना, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए जितना भी है इसको आराम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें अभी हम आटा डालेंगे, और जब हम आटा डालेंगे तो ये जितना भी तेल है ना वो आटा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम इस तेल को सारे को निकाल लेते हैं, आटा डाल के पकाएंगे, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो ये तेल डालेंगे। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब मैं ये बनाती हूँ तो मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मा जल्दी से बनाओ, मुझे जल्दी से खाना है। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इसके लिए एक टेबल स्पून आटा लेंगे और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। कुछ लोग मैदा डालते हैं, बट मैं आटा डालूंगी। मैदा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अब हम आटा डालेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम इसको कितना ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। जो चीज आपके घर में जो भी मसाले अवेलेबल हो, गरम मसाले आप वो डाल के बना सकते हैं, और इसे लगातार चलाते रहेंगे आटे को, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा आटा रोस्ट हो गया है। ये जो गोश्त है, इन सबको हम ऐसे ऐसे अच्छे से तोड़ लेंगे। जितना भी गोश्त है हम सबको अच्छे से ऐसे चम्मच से तोड़ लेंगे। कुछ पीस, और वैसे आपकी पसंद, अगर आप चाहें तो आप पूरे पीसेस वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन हमें टूटे हुए पीस, छोटे छोटे पीस ज्यादा पसंद है। सारे पीसेस को तोड़ लिया और उसमें अब हम ये आटे में अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर एक इसका अच्छा सा हम घोल तैयार कर लेंगे। तो हम पेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, ये घोल है, देख सकते हैं आप। और हम अब इसमें डाल देंगे, डालने के बाद आप अपने हिसाब से ग्रेवी आपको कितनी थिक चाहिए आप इसमें पानी डाल दें। डालने के बाद हम इसमें वापस से लिड लगा देंगे, और लिड लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको वापस से पकने देंगे। तो हाँ, इसको बनाने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जितना वक्त लगता है उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अब ये हमारा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी है। ये देखिए, जैसा कि हमने सारे पीसेस को तोड़ दिया था, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी बेटी को कुछ बड़े पीसेस पसंद हैं, इसीलिए हमने इसमें एक दो पीसेस बड़े छोड़ दिए हैं।
तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और हर कोई आपको अपना चैनल पहले सब्सक्राइब करने के लिए कहता है, बट मैं आपको पहले नहीं कहूँगी, मैं आपसे कहूँगी पहले आप इसे खाइए, टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा लगे फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर इसमें आपको कुछ कमियाँ लगती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये देखिए, इसको निकालने के बाद हम इसके ऊपर से ये जो हमने ऑयल निकाला था ये ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे कुछ प्याज के स्लाइसेस काट लिए हैं, हरी धनिया डालेंगे इसके ऊपर, और ये हरी मिर्च डाल दी हमने इसके ऊपर, और ये नींबू डालकर अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो अभी वैसे भी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम वैसे भी बाहर जाकर खा नहीं सकते, तो आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही मशहूर नहारी है, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं, आप गोश्त के सारे आइटम छोड़ के इसको ही बनाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।